तो भाई ये है हमारा गेम कंसोल R35S, ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। उसके अंदर आपको GTA भी चलाकर दिखाएंगे, पेप्सी मैन भी दिखाएंगे। भाई आईफोन खोल रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। भाई आईफोन 15 खोल रहा हूँ, देख लो। देखो PS1 है, PS2 है, PS3 के भी गेम है, तो मेरी जान काफी सारे हैं। पीछे ट्रिगर्स हैं इसके, ठीक है, और दो है इसके अंदर एनालॉग, आप लोग देख सकते हो। ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको आज के टाइम पर जितने भी रेट्रो गेमिंग कंसोल चल रहे हैं उनमें किसी में भी नहीं मिलेगा। DDR3 की 1GB की रैम, क्या बात है, आप लोग देख सकते हो यार। भाई साहब नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है यार, पुराना गेम फाइनली हो गया स्टार्ट। हो भाई साहब, ये स्लिप भी तो मारता है यार। जबरदस्त चल रहा है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। ओ भाई साहब, अरे यार, और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, जैसे कि PS1 और PS5, ये वही मानकर चलो, ठीक है। Hey guys, welcome back to the channel. कैसे मेरे गेम के दीवानों भाई, बहुत ही मजा आ गया, जैसे कि तुम्हारा भाई है यार। तो गाइस वीडियो का टाइटल तुमने आप लोगों ने देख लिया होगा, आज की वीडियो में एक स्पेशल गेमिंग कंसोल दिखाने वाला हूँ आपको। उसके अंदर आपको GTA भी चलाकर दिखाएंगे, पेप्सी मैन भी दिखाएंगे, तो सारे गेम्स चलाकर दिखाएंगे, न्यू लेटेस्ट जनरेशन PS1 PS2 PS3 के सारे गेम्स चलने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं जिसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको दिखाने वाला हूँ वो है ये आप लोग देख सकते हो, गेम कंसोल R35S। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, ये ऑफिशियली इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन वर्ल्ड वाइड काफी तहलका मचा रहा है। अब इसके बारे में गूगल भी कर लिया, लेकिन आप जरूरत नहीं है, आपकी मोस्ट ऑफ डिमांड पर आपका भाई स्पेशली ये आपके लिए लेकर आ गया है। तो आज वीडियो में इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके अंदर स्पेसिफिकेशन बताएंगे क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर निकलेगा, कौन कौन से इसके अंदर गेम चला सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ होने वाला है, तबाही मचने वाली गाइस इसके रिलीज होने के बाद। पोर्टेबल गेमिंग कंसोल, उसके अंदर ऐसा रेवोल्यूशन आने वाला है, ये हिस्ट्री को चेंज कर देगा, अमेजिंग चीज है। बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए स्पेशल अरेंज किया है, क्योंकि आप लोग बता कोई भी नया गेमिंग कंसोल आता है आपके भाई के पास सबसे पहले आता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, आते हैं आपको इसके अंदर क्या निकलने वाला है, क्या क्या अमेजिंग चीजें हैं, कौन कौन से गेम्स हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई ये है हमारा गेम कंसोल R35S, ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता आप चाहे इसको गूगल कर सकते हो, ठीक है, और यूट्यूब पर अदर वीडियोस भी देख सकते हो। US के कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इसको अपलोड किया, और ये इंडिया में अवेलेबल नहीं होता है, इसको बाहर से इम्पोर्ट कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आपके भाई ने स्पेशली इसको अवेलेबल करवाया, ठीक है। तो ये 64GB वाला वेरियंट, इसमें 4 कलर अवेलेबल होते हैं। अब ये हम देखते हैं इसके अंदर कौन सा कलर है, तो करते हैं इसको अनबॉक्स। फाइनली खुल जा सिम। ओ भाई साहब, कोई भी गाइस प्रोडक्ट हो ब्रांड न्यू, उसको अनबॉक्सिंग जब करते हैं अलग ही यार फील आता है, क्या बात है। तो ये अपना मेन यूनिट इसको साइड में रख देते हैं, और एक्सेसरीज के रूप में इसके साथ आपको मिलेगा चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी है, ठीक है। ये डस्ट साफ करने के लिए कुछ पाउचेज है अंदर, और ये एक छोटा सा मैनुअल कार्ड है, ठीक है, जो कि चाइनीज में है, हटाओ इसको। और ये है इसका एक स्क्रीन गार्ड है शायद। ओ भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ एक स्क्रीन गार्ड भी आपको मिलेगा ताकि स्क्रीन को सेफ रखा जाए, ठीक है। तो ये सारी कुछ एक्सेसरीज इसके साथ, ट्रे के अंदर मिलेगा अपना मिनी गेम कंसोल्स। हटो, इसे भी हटाओ। तो ये मेरे को लग रहा है ऑरेंज कलर, ओके ऑरेंज कलर है, क्या बात है भाई साहब। भाई आईफोन खोल रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। भाई आईफोन 15 खोल रहा हूँ, देख लो। क्या बात है भाई सब, कलर ऑरेंज कलर का है, क्या बात है, मेड इन चाइना, चाइना का है, लेकिन गाइस बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, ठीक है। ये देखो L1 L2 R2 R1 प्लेस्टेशन वाला, पीछे ट्रिगर्स हैं इसके, ठीक है, और दो है इसके अंदर एनालॉग, आप लोग देख सकते हो, कैमरा वाला है और एक मूवमेंट के लिए है, और XYB वही एक्सबॉक्स वाला सिस्टम, और ये स्टार्ट सिलेक्ट, और ये शायद बैक होम बटन है, और ये तो होते ही, ठीक है, अप डाउन वाला, और ये है इसका शायद पावर बटन, बिल्कुल ये रीसेट बटन है, और यहाँ पर इसका मेमोरी कार्ड। अच्छा मेमोरी कार्ड कौन सा है इसके अंदर, ओके 64GB का है गाइस, तो वापस लगा देते हैं, ठीक है।
और इधर है इसका वॉल्यूम रॉकर। ओ भाई साहब, इधर एक 32 GB का भी लगाया है इन लोगों ने, ठीक है। तो 64 GB का इधर है और 32 GB मेमोरी कार्ड इधर है। तो करते हैं इसको पावर को ऑन। ओ भाई साहब, R35S ओपन सोर्स कंसोल्स, क्या बात है ये भाई साहब। भाई आवाज कम करो, कॉपीराइट दे देगा ये, ठीक है। तो ये है कैपकॉन प्ले सिस्टम 1, भाई बहुत ही अमेजिंग है, अभी इसके बारे में बताऊंगा आपको। और देखो एक चीज और, इसके अंदर आपको कौन कौन से गेम्स खेलने को मिलेंगे, ये देखो PSP, DCSS और सबसे जो मेन है ये देखो PS1, NDS, N64, ये देखो PS1 है, PS2 है, PS3 के भी गेम है। तो मेरी जान काफी सारे हैं। 3200 mAh की बैटरी मिलेगी, लास्टिंग 6 आवर का बैटरी बैकअप बताया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये वो नहीं है जो हम रेट्रो गेमिंग कंसोल दिखाते हैं 1500 वाले, ठीक है। इसके अंदर देखो रैम है 1 GB की DDR3 की, 1 GB की रैम। CPU है आप इसका देख सकते हो क्वाड कोर ARM 64-bit कोर्टेक्स A35 भाई साहब। CPU मिलेगा 1.5 GHz, रैम DDR3 की 1 GB की, 3.5 की IPS फुल व्यूइंग एंगल, जीरो डिस्टेंस की इसकी डिस्प्ले मिलेगी आपको। ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको आज के टाइम पर जितने भी रेट्रो गेमिंग कंसोल चल रहे हैं उनमें किसी में भी नहीं मिलेगा। DDR3 की 1 GB की रैम, क्या बात है, आप लोग देख सकते हो यार। गाइस फाइनली स्टार्ट तो हमने कर दिया है और डिस्प्ले आप देख सकते हो 3.5 इंच की डिस्प्ले है, ठीक है। और सबसे पहले कैपकॉन प्ले सिस्टम 1, तो कौन कौन से इसके अंदर गेम है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो सिस्टम 1, सिस्टम 2, इसके अंदर 37 गेम्स हैं। सिस्टम 3, इसमें 4 गेम्स मिलेंगे आपको। फिर मामे 2003, 1928 गेम्स अवेलेबल है। फिर PC इंजन के गेम है 359 गेम्स अवेलेबल, क्या बात है। डिस्क सिस्टम है, उसके बाद सुपर फेमिकॉन है, ठीक है। ये एक और सिस्टम है, निंटेंडो के भी आपको गेम्स मिलेंगे इसके अंदर, क्या ही बात है यार। निंटेंडो 64, गेम बॉय के भी गेम है, गेम बॉय कलर के भी मिलेंगे, एडवांस के भी मिलेंगे क्या। निंटेंडो DS भाई ऑल इन वन खजाना है, मेगा ड्राइव, ओ भाई साहब, ड्रीम कास्ट भी है भाई साहब, गेम क्लियर, नियो जियो के गेम भी है, प्ले स्टेशन 24 गेम है भाई प्ले स्टेशन के भी, क्या बात है। सोनी PSP के 32 गेम्स अवेलेबल है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ गेम्स दिखाता हूँ जो कि हमारे प्ले स्टेशन के हैं। जी रहा, क्या बात है। तो सिलेक्ट करेंगे हम A से, ओके। तो इसके अंदर है ये कैपकॉन वर्सेस NS कैसलवेनिया, कैपकॉन वर्सेस NSK प्रो, क्रैश बैंडिकूट, ओके, डबल ड्रैगन, फाइनल फैंटेसी, मार्वल हीरोज, क्या बात है, मेगा मैन 8, मॉर्टल कॉम्बैट 4, नीड फॉर स्पीड 3, पेप्सी मैन भी मिलेगा, ओ भाई पेप्सी मैन भी मिलेगा गाइस। ये लो स्ट्रीट फाइटर भी है, टेकन 3 भी खेलना है तो मिलेगा, किंग ऑफ फाइटर भी मिलेगा, ठीक है, क्या बात है, ठीक है। अब PSP के देखते हैं इसके अंदर, एलियन 1949, NBA 10, ओके, एलियन सिंड्रोम, असेसिन क्रीड, कैसलवेनिया, क्राइसिस, आप लोग देख सकते हो ड्रैगन बॉल जी, देखो फीफा स्ट्रीट, GTA, वाइस सिटी, ओके, मेगा मैन, मेटल स्लज, मोटो GP, नारुतो, क्या बात है, पैराशूट, सोल कैलिबर, स्पाइडरमैन 2, स्ट्रीट फाइटर, टेकन डार्क, भाई साहब। उसके बाद है नियो जियो के गेम दिखाता हूँ आपको, ये देखो समुराई शैडो है, किंग ऑफ फाइटर है। तो ये सारे इसके अंदर रेट्रो गेम्स भी मिलेंगे आपको और प्ले स्टेशन के भी मिलेंगे, आप लोग देख से मतलब देखते जाओ। ये देखो गेम गियर के देखते हैं, ओके, आर्केड क्लासिक अरेना, तो काफी अमेजिंग अमेजिंग गेम्स हैं यार इसके अंदर। गाइस आपको दिखाता हूँ प्ले स्टेशन का पेप्सी मैन चला के R35S। तो गाइस हमने बचपन में बहुत ज्यादा खेला यार इसको पेप्सी मैन, और जिन लोगों ने पेप्सी मैन खेला PS1 के अंदर वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। भाई साहब वॉल्यूम बढ़ा दूं, ये लो पेप्सी मैन देखो, स्टार्ट हो जाए यार, स्किप करो पेप्सी मैन, क्या बात है यार। ये गाइस प्लेस्टेशन 1 के अंदर हमने बचपन में खेला था और आज हम इसको मतलब हाथ में लेकर कहीं भी पॉकेट में डालकर खेल रहे हैं, वो भी इस ग्राफिक्स में और ये मतलब इतनी स्पेसिफिकेशन के साथ, कमाल की चीज है यार। स्टार्ट हो जाए यार, भाई साहब नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है यार, पुराना गेम फाइनली हो गया स्टार्ट, हो भाई साहब
ये स्लिप भी तो मारता यार, मैं तो भूल भी गया ऐसे खेलना। भाई साहब, अच्छा बी से, अरे ये चुभ गया पैर में यार। अच्छा वाई से करेगा स्लिप, तो भाई अभी मैंने आपको पेप्सी मैन का गेम प्ले दिखाया, काफी जबरदस्त चीज है यार। ड्रीम कास्ट के भी गेम है, गेम गियर के भी है, न्यू जियो के भी है, तो बहुत सारे गेम्स है यार, पीएसपी के भी गेम्स है, कुछ तो पीएसपी के भी चला के देखते हैं। चलो ये है देखो, जो जैसे फोन के ऊपर आता ना, इसको हटा के हम इस स्क्रीन गार्ड को लगा सकते हैं। ये देखो, इसको हटाने के बाद स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर भी साथ में आया। ये देखो, तो ये काफी अच्छी चीज है। रॉकस्टार, क्या बात है, नॉर्थ। ये लो गाइस, फाइनली हो गया हमारा GTA वाइस सिटी स्टोरीज, ठीक है, शायद यही नाम है हाँ इसका। क्या बात है, जबरदस्त चल रहा है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ओ भाई साहब, ये जो गाइस बटन है ना, ये ही जो एनालॉग है, ये अपने प्लेस्टेशन की तरह, ये देखो अंदर की तरह काम करते हैं। R3 L3 होता ना, ये देखो ये भी काम करते हैं, ट्रिगर भी काम करते हैं भाई, L1 L2 पूरा प्लेस्टेशन हाथ में दे दिया भाई साहब। देख सकते हो भाई, ये देखो क्या तेज आवाज है भाई साहब। इधर इसके वॉल्यूम से दोनों, इधर भी स्पीकर वगैरह है। ये देखो OTG केबल के लिए है, ADC के लिए है, और यहाँ अपना 3.5 mm जैक आप भी कनेक्ट कर सकते हो। आवाज देखो, कॉपीराइट ना आ जाए यार। तो काफी जबरदस्त हैंड गेमिंग कंसोल है गाइस, जो कि आज की लेटेस्ट जनरेशन की डिमांड पर, ठीक है, कंपनियां बना रही हैं। और मारियो ब्रॉस चलाते हैं, चलो क्या बात है, इसकी तो म्यूजिक ही नॉस्टैल्जिया फील करा देती है। अरे यार, हर बार छोटा हो जाता हूँ यार मैं। जबरदस्त यार, मर गया यार। तो गाइस काफी अमेजिंग चीज है, और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। और ये इंडिया में ऑफिशियल नहीं आया, ये भी चाइनीज प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब तक ये वेबसाइट्स वगैरह पे मिल रहे थे, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है, ठीक है, इंडिया में तो ऑफिशियल शॉप्स पर नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे बहुत से सब्सक्राइबर की डिमांड आ रही थी, हर्ष भाई गेम कंसोल R35S अवेलेबल कराओ, अनबॉक्सिंग दिखाओ, रिव्यूज बताओ, कैसे गेम्स हैं आप चेक करो, फिर हमें बताओ हमें बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो भाई अभी जो मैंने आपको दिखाया हुआ था ऑरेंज कलर, और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और, क्योंकि देखो मैं सिर्फ आपको एक ही दिखाना चाहता था, लेकिन अपने पास दो आए थे। ये देखो, क्योंकि आप लोगों को पता है चार कलर अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है, ये देखो। और दूसरा ये देखो, मैंने सबसे पहले चेक भी व्हाइट वाले से ही किया था वीडियो शूट करने से पहले, ठीक है। ये देखो, ये है अपना व्हाइट कलर वाला, ये देख सकते हो, ये है व्हाइट कलर वाला। और आप लोग बताना व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है या ऑरेंज वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम सब कुछ, वही सिर्फ कलर अलग अलग है, ठीक है। आपको इसके अंदर कुछ और गेम खेल कर दिखाता हूँ, ठीक है, और आप PC से इसके गेम कैसे मतलब डाउनलोड कर इसमें क्या वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो इसके भी कुछ गेम प्ले दिखाता हूँ आपको मैं, इसके साथ भी वही सब कुछ सेम, एक चार्जिंग केबल और वही टेम्पर्ड ग्लास सबके साथ आएगा सेम, ठीक है। और इसके अंदर का आप लोग देख सकते हो, ये देखो इसमें एक डाउन रो भी चलता है, जो 2009 वाला आया था अपने प्लेस्टेशन 2 के अंदर, आप लोग देख सकते हो इसमें एक डाउन रो 2009, ठीक है, इसमें एक डाउन वर्सेस रो 2009 वाला प्रेस स्टार्ट। क्या बात है, आप लोग देख सकते हो 1&1, और ग्राफिक्स सारे ही रेट्रो गेम जितनी बोलते थे ना, ग्राफिक देखो कितना जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। तो इसका प्रोसेसर है, स्पीड में देखो कितना फर्क है, कितना जल्दी काम कर रहा है, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है, DDR3 की 1 GB की रैम है इसके अंदर भाई साहब। आपको लगेगा ही नहीं आप मतलब कोई रेट्रो गेमिंग कंसोल में गेम खेल रहे हो, आप लोग देख सकते हो। और व्हाइट कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है, ये लो। तो इसके अंदर चार कलर वेरिएंट आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने जो दिखाया था वो ऑरेंज था, ये व्हाइट है, बाकी ब्लैक और ब्लू भी मिलते हैं। मैं इसको खोलना नहीं चाहता था यार, लेकिन खोलना पड़ गया। अरे रुक जा, और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास है गाइस PC
ठीक है, तो इसका मेमोरी कार्ड आप यहाँ से निकालोगे, इसको पुश करके मेमोरी कार्ड निकालना है आपको। देखो इस तरीके से, इसका इस तरीके से मेमोरी कार्ड आप निकालोगे, इसको अपने पीसी के अंदर, ठीक है, यूएसबी पेन ड्राइव के अंदर इसको लगा के पीसी के अंदर से आप गॉड ऑफ वार, रेसिडेंट एविल 2 या कोई भी PS1, PS2 का या PSP का गेम डाउनलोड करके, ठीक है, इसके अंदर वापस इसके अंदर आपको इंस्टॉल कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो वो गेम भी आप डाउनलोड करके इसके अंदर बेहतरीन तरीके से प्ले कर सकते हो, जैसे कि गॉड ऑफ वार हो गया, रेसिडेंट एविल 2 भी चलता है इसके अंदर, इसमें एक डाउन रो भी मैंने अभी आपको दिखाया, तो बहुत सारे गेम्स चलते हैं मेरी जान, बहुत कुछ है इसके अंदर, क्योंकि गेम भी आप बहुत सारे इसके अंदर डाउनलोड करके खेल सकते हो, यहाँ तक कि इसके अंदर निंटेंडो का जेल्डा भी चलता है। जी हाँ गाइज, जेल्डा भी आप ऐसे ही मेमोरी कार्ड निकाल कर पीसी से डाउनलोड करके इसके अंदर डालकर जेल्डा भी खेल सकते हो, ठीक है। तो गाइज इसके अंदर मैं आपको टेकन 3 भी प्ले करके दिखा दूंगा, यह है टेकन 3, देख सकते हो भाई साहब, ये देखो। अगर आप लोगों ने भी टेकन 3 बचपन में खेला है तो आप लोगों को पता होगा इसी तरीके से वो स्टार्ट होता है। भाई साहब नॉस्टैल्जिया फील हो रहा भाई, क्या बात है। ये ही आची भाई, इसको हिची बोलता था, याद है गाइस आप लोगों को। ये देखो ओग्रा, टू ओग्रा भाई सर, एडी भाई बहुत जबरदस्त, स्किप कर देता हूँ। ये देखो आर्किड मोड भाई साहब, ये इसके प्लेयर भाई, तो आप लोग देख सकते हो ये चल रहा है टेकन 3, और क्या जबरदस्त चल रहा है, पहली फाइट है एडी से, और हुआ ओ भाई साहब नॉस्टैल्जिया, टेकन 3 भी चलता भाई, और रुक जा रुक, अब रुक जा, रिमोट की आदत पड़ गई भाई, अब भाई साहब नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, लग रहा बचपन में वापस आ गया मैं, एक हुआ में दम निकल गई इसकी। भाई साहब स्पीड देखो, स्पीड गेम की लॉन्चिंग स्पीड देखो, क्या जबरदस्त चल रहा है, और ये सब पॉसिबल हो रहा है गाइस DDR3 की 1GB की रैम और इसका प्रोसेसर। भाई साहब गाइस नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, टेकन 3 किस किस ने बचपन में खेला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यूसी मिसू से होने वाली गाइस फाइट, दूसरी फाइट, क्या बात है भाई, हवा मारने बड़ा मजा आता है तो। ये ओए ये लचर की था, लग नहीं पा रही यार, अच्छा इधर से बहुत जल्दी लगेगा, एक हवा में खत्म। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो ये अभी फिलहाल अमेजोन पे आपको मिलेगा कितने का, आप लोग अमेजोन पे जाकर देख लेना, 7,999 रुपए का इसका प्राइस मिलेगा आपको। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख लो, अमेजोन पे मिल रहा है 7,999 यानी कि 8,000 रुपए का, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स हैं पर ये 6,800 रुपए का मिल रहा था, ठीक है, लेकिन हम आपको इसको बहुत ही बेस्ट प्राइस में अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में जो गेमिंग कंसोल आपको दिखाया है और जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर गेम्स है, वो आपने आज तक ऐसा हैंड एंड गेमिंग कंसोल नहीं देखा होगा। ठीक है, ये लेटेस्ट न्यू रिलीज है, मतलब इसको आए हुए 1 से 2 महीने हो चुके हैं और ज्यादा हो गया, लेकिन इंडिया में आप लोगों को पता कोई भी जल्दी से चीज अवेलेबल नहीं होती है, तो ये चीज बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ती है। तो आप लोगों को पता है आपका भाई जो आप जिस चीज की डिमांड करते हो अवेलेबल करा देता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको इसकी पूरी अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, गेम प्ले भी कुछ दिखाए। इसके अंदर बहुत कुछ अमेजिंग चीजें हैं, बहुत सारी इसकी चीजें रह गई हैं जो वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो ये बहुत जबरदस्त कंसोल है, इसकी कई कलर वेरिएंट अवेलेबल है, R35S, आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हो, ठीक है, और अदर यूएस के जो अंग्रेज यूट्यूबर होते हैं उन लोगों ने इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो ये अवेलेबल है और इसके प्राइस कितने होने वाले हैं, ठीक है, तो वो गाइस मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके प्राइस अभी रिवील नहीं हुए हैं। तो किसी को अगर ये चाहिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है, अभी अनबॉक्सिंग रिव्यू के लिए आया है, बाकी आप जब इसकी डिमांड करोगे अगर आपको चाहिए तो यहाँ इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, मेरे को DM करना, मैं इसका प्राइस मतलब आपको पूछकर बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव होता है आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देना, जो गैजेट कहीं नहीं मिल रहा वो आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। तो प्रोवाइड कर दिया है, सारी स्पेसिफिकेशन बता दिया है, आई होप ये कंसोल आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। रेट्रो गेमिंग कंसोल बहुत सारे, मतलब रेट्रो गेमिंग कंसोल आते हैं पोर्टेबल, देखो एक ये भी आया था एक्सट्रीम मिनी बॉक्स, तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, जैसे कि PS1 और PS5 ये वही मानकर चलो, ठीक है। तो जैसे टेक्नोलॉजी मतलब आगे बढ़ रही है, नई नई आपको चीजें देखने को मिल रही है, और ये सारी चीजें चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं, ये सारी चीजें चाइना वाले जो है इनहेंस करते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऑल कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएगा, आप भाई से पूछ लेना। लेकिन आपके तरह आज भी आप ही के तरह चाहिए कोई भी गेमिंग कंसोल, ये भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ इंस्टाग्राम की आईडी आप मेरे को DM कर लेना, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग कंसोल है, आप लोग प्लीज बाय कर सकते हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं। तो भाई हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गेम खेलते रहो, एंजॉय करते रहो, आगे और भी अमेजिंग वीडियोस आ रही हैं, और भी आपको PS2, PS3, PS4, PS5 गेमिंग है कुछ भी चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बस वीडियो चले गए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों का चैनल कर दो फटाफट से सब्सक्राइब, ठीक है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।